59 में से 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 49। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही तो लिखा है मैंने बेटा, क्या हो गया बताओ, चलिए बताओ। बेटा पहले प्लस 10 था तो मैं माइनस 10 ले गया, अब जो 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। यहां से है ना, मेरा माइक भी सही है। 21 A3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 21/3 x=7। थर्ड वाला देखिए, वन जीरो फाइव इक्वल टू 6 प्लस 11x। ये 6 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 105 - 6 = 11x। क्या बचेगा यहां पर, 99 = 11x। ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अगला फोर्थ वाला देखिए, फाइव ए माइनस 10 माइनस 25। क्या लिखेंगे बेटा, ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, साइन उसका आता है जिसकी डिजिट बड़ी होती है। इधर आ जाएगा माइनस का 3। फिफ्थ वाला देखिए, 3t + 25.8 = -4.2। ए प्लस में इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3t - 4.2 - 25.8। 3t माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन लेकिन माइनस का आता है। क्या हो गया बेटा, यहां से पूरी वॉइस से बोल रहा हूं बेटा, अब बीच बीच में कहीं कट रही है तो वो आपके नेटवर्क इश्यू हो सकता है ना। ये आ गया आपका आंसर, ए माइनस का 10 है इस साइड आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ए माइनस का, ए प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस,
25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। ये 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 15 को 5 से कट किया तो क्या आया? 3। सिक्स्थ वाला देखिए, P अपॉन, हाँ बोलिए बोलिए, किसका बेटा? सेकंड वाले का। 21 को 3 से डिवाइड, बेटा 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा ना। हाँ बेटा, ये 7 मल्टीप्लाई में है ना एक्स के साथ, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड, तो बस डिवाइड में आ गया। अच्छा एक प्लस का 4 है, हाँ हाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा ये प्लस का 4 है इस साइड आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, पी अपॉन 3, 10 में से 4 6 आएगा। अच्छा ये जो 3 है वो पी के डिवाइड में है, किसमें है? डिवाइड में, तो किसमें चला जाएगा? तो क्या आ जाएगा पी का वैल्यू? 80। आगे देखिए, हाँ करिए करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ नहीं करूंगा बेटा, देखिए सेवेंथ वाला देखिए, सेवेंथ वाले में है एक्स अपॉन 3 माइनस 6 इक्वल टू 2। बेटा ए माइनस का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, एट हो जाएगा। ए डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा? आंसर क्या आएगा? ठीक है, सेवेंथ के बाद कौन सा आता है? एट्थ वाला है ना, एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है? 2x अपॉन 5 इक्वल टू 8। हमें बताइए बेटा जो 5 है वो डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? अच्छा तो 8 5 से कितना होता है? अच्छा ये 2 मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9th वाला 4x अपॉन 3 प्लस 8
इक्वल टू 20। देखना बेटा, 4x अपॉन 3, 20 माइनस 8, ये 8 प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ट्वेंटी में से एट किया तो क्या बचेगा बेटा, 12। अच्छा ये 3 डिवाइड में है तो किस में जाएगा, 12 इंटू 3, 12 3 जाए कितना होता है 36। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, 9। एक और बचा है, टेंथ वाला, 5x अपॉन 4 माइनस 3.2 इक्वल टू 1.8। हाँ देखिएगा, 5x अपॉन 4 ये माइनस में है तो इस साइड किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। ये 4 का डिवाइड है, डिवाइड वाला जो 4 डिवाइड में है फिर वो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, फिर ए मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 20, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में। बस ये चार चीजों का उल्टा पता हो, किसका क्या उल्टा होता है, आपको इन क्वेश्चनों में कोई हरा नहीं सकता है, बस लेकिन करना होगा तरीके से। अगर तरीके से करोगे तो गारंटी है कि इन क्वेश्चनों में आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ बोलिए, ए प्लस का 8 है, इस साइड गया माइनस का 8, 20 में से 8 माइनस किया तो बचा 12, 3 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में गया तो आया 36, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया आया 9। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस यही क्वेश्चन है ना। सेकेंड का फर्स्ट वो बोल रहा है किसी नंबर का, सुनना, रीड करना फर्स्ट वाला, सेकेंड का फर्स्ट, हाँ देखिए कि कोई नंबर का फोर टाइम्स अगर इंक्रीज करते हैं 8 से तो उसको 24 मिलता है। कितना मिलता है देखना बेटा, कोई नंबर x उसका 4 टाइम्स कितना इंक्रीज करना है, 8, तो आपको मिलेगा क्या 24। फिर से कैसे समझोगे,
कोई नंबर का 4 टाइम्स इंक्रीज किया 8, मिला 24 है। क्या मिला? 24। ए प्लस का 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 8। ट्वेंटी फोर में से एट गया, बचा 16। ए मल्टीप्लाई में है तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। आंसर आ गया 4। आगे देखिए, थर्टी फाइव लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर, वो बोल रहा है नंबर के 6 टाइम्स, वो बोल रहा है नंबर के 6 टाइम्स से कितना कम? 35 कम। इक्वल टू में क्या मिलेगा? 1। फिर से बोल रहा हूं, वो बोल रहा है 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर के 6 टाइम्स में 35 कम, इक्वल टू 1, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 6x इक्वल टू 1 प्लस 35, 6x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 अपॉन 6 डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई? अगला क्या बोल रहा है थर्ड वाला? आई थिंक ऑफ अ नंबर, डिवाइड इट बाय 4 एंड एट 11 द रिजल्ट। वो बोल रहा है अगर नंबर को 4 से डिवाइड करें, अगर नंबर को 4 से डिवाइड करें एंड उसमें 11 ऐड करें, अगर 11 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? 17। कितना मिलेगा? 17। ठीक है, एक्स अपॉन 4 प्लस का 11 है उस साइड जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। एक्स अपॉन 4 क्या बचेगा? 6। 4 डिवाइड में है तो किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। क्या आ गया? 24। वो बोल रहा है किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करें और 11 ऐड करें तो हमें 17 मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए। देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या है? आई एम एन इंटीजर, मैं कोई एक इंटीजर हूं, वैल्यू मल्टीप्लाई मी बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट -10। देखो बेटा, वो बोल रहा है मैं कोई इंटीजर हूं। इंटीजर क्या होता है? जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -1, -2, -3 और 1, 2, 3, 4। तो हमने मान लिया एक्स है इंटीजर। अब बोल रहा है व्हेन यू मल्टीप्लाई मी बाय 2, तुम अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो कह रहा है अगर तुम मुझे 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड सब्ट्रैक्ट -10, और वो बोल रहा है मुझ में से तुम कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ,
कितना सबट्रैक्ट करना है? माइनस टेन। तो रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसने बोला मैं कोई इंटीजर हूं, मुझको डबल करो। I am an integer when you multiply me with 2 and subtract minus 10 from me. और फिर minus 10 तुम subtract करोगे मुझमें से, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ बोलो क्या है? Integer 2. हाँ देखो बेटा, हम देखते हैं 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल टू माइनस का 6। 2x माइनस 6 माइनस का 10, 2x इक्वल टू माइनस का 16, x इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आया? माइनस का 8। आगे देखिए फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में लिखा है अ नंबर डिवाइड बाय 6 माइनस 3 इक्वल्स 12। वो बोल रहा है कोई नंबर है, उसको 6 से डिवाइड किया, माइनस 3 किया, इक्वल्स में क्या आया? 12। देखो ध्यान से देखना, माइनस का 3 है इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 3। ए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ए डिवाइड में है 6 तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या हो जाएगा? 90। हो गया आंसर, क्या आया नंबर? 90। आगे देखिए वो बोल रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स अपॉन 4 प्लस 10 इक्वल टू माइनस 4। ओके लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्स अपॉन 4 प्लस का 10 है इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 10। एक्स अपॉन 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 14 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। एक्स इक्वल टू, डिवाइड में है 4 तो किस में चला जाएगा? 14 फोर जाए कितना होता है? 56। किस ऑप्शन का आंसर आया? ऑप्शन ए। आगे देखिए आगे लिखा है फॉर विच इक्वेशन n इक्वल टू 8 इज नॉट अ सॉल्यूशन। किस में n की वैल्यू 8 नहीं आएगी, किस में? ठीक है ना, तो हम पहला वाला करते हैं इसका ऑप्शन ए। 3n माइनस 9 इक्वल टू 15। 3n 15 प्लस 9, 3n 24, n इक्वल टू 8। इधर 8 आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हम और देखते हैं। हम b वाला देखते हैं।
बी में क्या है एन अपॉन टू प्लस 11 इक्वल टू 15, एन अपॉन टू 15 माइनस 11, एन अपॉन टू इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4 इंटू, यस यू आर ऑडिबल, इधर भी क्या आ रहा है n की वैल्यू 8 आ रही है तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, 2n प्लस 5 इक्वल टू 21, 2n इक्वल टू 21 माइनस 5, 2n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 अपॉन 2, n इक्वल टू 8, तो इधर भी 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट, मतलब डी में जो n की वैल्यू आएगी वो 8 नहीं आएगी। सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, ठीक है ना। वो बोल रहा है नंबर, ध्यान से देखना, वो बोल रहा है 7 टाइम्स ऑफ नंबर, कोई नंबर का 7 टाइम्स है, डिक्रीज बाय द सम ऑफ 1 एंड 5, उसको डिक्रीज किया है किसके सम से डिक्रीज किया है, जल्दी बताइए बेटा। हाँ 6, देखो बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, एक मिनट आराम से देखना। वो बोल रहे डिक्रीज माने होता है माइनस, डिक्रीज माने कम करना, कम किया किसना, कम किया 1 प्लस 5 कम किया, इक्वल टू में हमें क्या मिला 22, 7x माइनस 6 इक्वल टू 22, 7x ये माइनस वाला इधर जाएगा 22, 7x इक्वल टू 28, ए x के 7 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, और ए क्या आ गया 4 आंसर आ गया। और कोई